अभी भी आए हैं तो सितंबर अक्टूबर के महीने में आए, यही महीना अच्छा होता है यहाँ के लिए, तो ये मौसम अच्छा होता है यहाँ के लिए। इतने सारे घोड़े, सारे घोड़े खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये वो तो हमें पता है, काउंटर 1 किलोमीटर बाद काउंटर पड़ेगा, तब काउंटर पे घोड़ा मिलेगा। क्या हुआ? अंदर लाठी ले जाइए, कर लीजिए मैम, बच्चे के लिए पार्टी कर लीजिए, डोली कर लीजिए। सब 11 नंबर वाले बच्चे हैं, 11 नंबर बॉर्नविटा पिए हुए हैं, बॉर्नविटा कॉम्प्लेन। आज देखिए कितना कॉम्प्लेन भरा हुआ है यहीं से सांस भूल गई मैं तो। इनका धंधा यही, इसलिए डराते हैं ये। चढ़ते चढ़ते चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, मैं आपको चढ़ाई दिखाती हूँ यहाँ की। सारे पीछे आ रहे हैं, देखो सब लोग जाने, कितना जाने का जाने का लंडुआ गई। की चढ़ाई करते करते बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ भी, तो ये मौसम आपके बहुत अच्छा है आने के लिए। सितंबर और अक्टूबर में आप आए, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। ये बसें थी जो पर जात आई थी, तेजी हूँ करती हुई, चढ़ाई और कठिन होने वाली है, बहुत खड़ी चढ़ाई आने वाली है, तो चलते चलते। नीचे देखिए, हम ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं और नीचे का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ले क्या पिट्ठू इधर माता जी, पिट्ठू करना बस। खड़े हैं घोड़े जो नहीं चल पाते उनके लिए घोड़े पालकी सारे अवेलेबल है, सब चीज मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ घोड़ों की व्यवस्था भी है, अगर जो लोग नहीं चल पाते हैं पैदल उनके लिए घोड़े पालकी सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते हैं, और ये हम नीचे खड़े हैं और ऊपर के व्यू देखिए कितना सुंदर है, और ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, वाइट वाइट जो दिख रहा है वहाँ पर बर्फ़, और हमें वहीं पर जाना है। और हम भी देखते हैं पैदल जाते हैं या घोड़े करते हैं, क्योंकि बहुत कड़ी चढ़ाई है। चलो आज गवर्नमेंट, चलो 11 नंबर की सवारी से चलते हैं। नहीं जल्दी फास्ट, तो हम पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं।
बदल जाएंगे तो फिर हम चलेंगे बदल। यहाँ घोड़े की पर्ची मिलती है घोड़ों के, यहाँ गवर्नमेंट रेट है, यहाँ घोड़े की पर्ची कटेगी। ये देखो हमने घोड़े की पर्ची कटवा रहे हैं, यहाँ से हम घोड़े करेंगे। हमारे बैच ये यहाँ पे ये हमारा घोड़ा है, ये है वीर का घोड़ा है, खच्चर भैया हमारे घोड़े वाले भैया हैं बिट्टू भाई घोड़े का नाम। आप जब भी आए यहाँ पे तो ये बिट्टू भाई से मिले और यहाँ पर्ची कटती है हमारी, इसको क्या करना इसको हाँ। और अभी आंटी बैठ चुकी हैं घोड़े पे, ये देखो आंटी ने भी घोड़ा कर लिया है, ये कृष्णा का घोड़ा है, ये कृष्णा का घोड़ा घोड़ा है और ये मोनू का घोड़ा है, देखो मोनू ने भी घोड़ा कर लिया है, और ये रौनक ये देखो ये इन दोनों का घोड़ा है, वो आंटी का घोड़ा है, आंटी भी घोड़े पे बैठ चुकी है आज आंटी, और ये अंकल बैठे हैं, देखो अंकल ने घोड़ा कर लिया और ये बैठे हैं, ये हैं कृष्णा के पापा, ये देखो इन्होंने भी घोड़ा कर लिया है, ये भी बैठ रहे हैं घोड़े पे, तो सब बैठ चुके हैं हम क्योंकि माता रानी की चढ़ाई बहुत लंबी है, बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए हमने भाई तो चलने में हमारी सांस फूल रही है, इसलिए हमने घोड़ा किया है और हम माता रानी की चढ़ाई घोड़े पे करेंगे। हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है घोड़े पे, तो हमारे घोड़े चल दिए हैं, और ये घोड़े सवार हुए हैं घोड़ों पे, जय माता रानी अमृत की माता भाई, अरे बगा तीन आराम कर माँ का सब खाए छोटे पिछाने देखी पिछाने जी भैया मारा मुरी मत करो, ये बात है फोन जेब में रख दो, तो नाम भैया की जय अच्छा पीछे मम्मी बैठी है, हाल तो नी बेसरा थी उठी है घोड़े आगे भी हैं, कुछ पीछे हैं हमारे घोड़े, आधे घोड़े आगे निकल चुके हैं और आधे पीछे हैं हमारे घोड़े, ये है पुलिस चौकी जानकी चट्टी, तो जानकी चट्टी से आप चढ़ाई करना शुरू करते हैं।
गंगोत्री यमुनोत्री माता के लिए। चार की चट्टी से घोड़े मिलेंगे आसानी से, और यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। सारी दुकानें छोटी छोटी बहुत दुकानें हैं, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ। पानी पी रहा है, मतलब पी रहे थे, लोगों को प्यास लग रही है, एक पानी पी रहे हैं। ये झरना बह रहा है, यहाँ से घोड़ा पानी पी रहा है। चले चलो चलो इधर आओ, इधर पी रहा है। चले चलो चले आ जा, चलो आओ, चलो चलो नदी बह रही है, नदी ऊपर से चलो यमुना जी बह रही है नीचे। बहुत अच्छा बैठ बैठे देखिए दुर्लभ चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और ये हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। देखो नीचे का जहाँ से हम आए हैं वो नीचे का रास्ता, और यहाँ आपको सिटिंग एरिया भी मिल जाएगा अगर जो पैदल आते हैं उनके लिए। चाय की दुकान वगैरह सब कुछ है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ ठीक है। और अब दुर्लभ रास्ता दिखाते हैं आपको, सीढ़ी की चढ़ाई है, दुर्लभ रास्ता। नीचे खाई देखिए कितनी गहरी है, झरने बह रहे हैं।
यहाँ के पहाड़ देखिए कितने खतरनाक पहाड़ देखिए। यमुनोत्री बह रही है वहाँ पे नीचे कितनी तेज। चलो पहाड़ देखे कितने सुंदर सुंदर। चल इसको छोड़ दो है। रास्ते देखिए यहाँ के कितने कठिन हैं सच में। गंगोत्री गंगोत्री करना इतना आसान नहीं है। बहुत अच्छी सवारी है मेरे पास आज। पुराना रास्ता हो गाल में देखे रहा है भाणी को बेटा सूटर को बनाए माते जेल सूटर वो नहीं जेड़ मानने ते ये कौन सा पुल है। हाँ पुल का नाम क्या। ये बंडली गार्ड है। हैं बंडली गार्ड का पुल। बंडली गार्ड और ये देखिए बंडली घाट का पुल। ये रास्ते देखिए पहाड़ देखिए। YouTube चैनल है आपका गुप्ता बनिए ब्लॉग। आइए हम चढ़ाई करेंगे। हाँ गुप्ता बनिए ब्लॉग। गुप्ता बनिए ब्लॉग। तो देखिए कितनी चढ़ाई कठिन है यहाँ पे। नीचे यमुनोत्री गंगा बह रही है। यमुनोत्री जी और हम पुल पार कर रहे हैं। अभी देखिए अभी बहुत चढ़ाई है और बहुत खड़ी चढ़ाई है ऊपर। तो ये यमुना मैया। ये यमुना मैया है। हनुमान गंगा। हनुमान ये हनुमान मंदिर देखिए। हनुमान जी बन हनुमान मंडल है और ये यमुना मैया बह रही है। और ये रास्ते देखिए। रास्ते तो देखिए कितने कठिन रास्ते देखिए। कठिन रास्ते हैं। ये वो डिटॉय आंटी गए। अभी हमें वहां जाना है ऊपर। रास्ते अब बहुत कठिन सच में। और यहाँ पहाड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हनुमान जी की नदी बह रही है और उधर यमुनोत्री जी। हमारा घोड़ा है और पीछे मम्मी का घोड़ा आ रहा है और आपको
और रास्ते देखिए यहाँ के कितने कठिन हैं, और आपको और कठिन रास्ता दिखाती हूँ। ये देखो जो मोनू जा रहे हैं, वो मोनू का घोड़ा है, वो आंटी का घोड़ा है, ये अंकल का घोड़ा। कितने कठिन कठिन रास्ते हैं, बिल्कुल केदारनाथ की तरह है। और नीचे खाई नीचे के ट्रैक, पीछे से चढ़ के आ रहे हैं कितने सारे घोड़े। ऋतुराज चढ़ाई चढ़ाई बहुत चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर यमुनोत्री जी की। देखो ट्रैकिंग है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। पीछे रह गए मोनू, घोड़े पीछे है हमारे, दो पीछे, अब पीछे रह गए, सब पीछे रह गए हमारे, सबसे सबसे ज्यादा हम ही आगे। आइए देखो यहाँ चाय की दुकानें हैं छोटी छोटी, चाय पानी सारी व्यवस्था है यहाँ। वो सीढ़ियाँ हैं और घोड़े सीढ़ी पे ही चढ़ रहे हैं। चढ़ाई करते करते पैर गंदे कर दिए, पूछ पता नहीं इसने करें कितने नहीं नहीं अभी छीटा आई है पतंग से। दोनों साथ साथ चलेंगे दोनों। इधर 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 उधर कहाँ जा रहा है, वाह चलो बड़ा
चलो अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ ऊंचाई पे देखो माता का मंदिर नजर आ रहा है। वो माता का मंदिर है ऊंचाई पे। हमारी चढ़ाई पूरी होने वाली है और यहाँ अब सुबह सुबह आइए ऊपर, नहीं तो यहाँ 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है, फिर शाम तक बारिश जाती है। यहाँ डेली का नियम है, 2 बजे बारिश शुरू हो जाएगी फिर शाम तक रहेगी। तो आप कोशिश करें सुबह 4-5 बजे चढ़ाई करनी शुरू करें और 2 बजे से पहले वापस हो जाएं, नहीं तो यहाँ बारिश होगी। 2 बजे के बाद बारिश होती है ऊपर। और मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ, बहुत हाइट पे आ गए हम और अभी हमें ऊपर अभी और चढ़ना है, वहाँ से आए हैं देखो और नीचे से इधर इधर। इधर ये भैरवनाथ मंदिर है, देखिए भैरवनाथ मंदिर है, भैरव बाबा की जय। ये भैरव बाबा मंदिर और यहाँ के पहाड़, बहुत पतला रास्ता है, पहाड़ काट काट के बनाया गया है। इधर चल, इधर चलो 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 इधर इधर, फिर से चढ़ाई आ चुकी है आराम से, सही से चलो सही से।
और यहाँ देखिए पानी टपक रहा है पहाड़ों में से बूंद बूंद। अभी 1 किलोमीटर है गंगोत्री धामोत्री 1 किलोमीटर। पैदल चलते चलते जो 10 मंजिल चढ़े थे भाई साहब जो भाव उतरोगे ना वो 10 मंजिल चढ़े हो उतरते पे उड़े से भाई साहब पूरा गले हो गया क्यों ये ऐसे उतरोगे पता हो जैसे ऐसे चढ़े तो ऐसे उतरोगे भाव उतरने वालों कहते हम तो भाव क्यों उतरेंगे एंड घोड़े वालों लोग क्यों उतरेगा पैर ठंडे हैं जूतों के अंदर ठंडे हैं ठंडे पतली पतली गली देखो ये बहुत पतली गंजी पतली है यहाँ प्रसाद फूल होटल वगैरह सारे ये है यमुनोत्री माता देखिए इतनी तेज बहाव माता का जल और वो गर्म कुंड देखो धुआं निकल रहा है गर्म कुंड है वो इतनी तेज धुआं निकल रहा है और ये बहुत ठंडा बर्फीला और चलते हैं मंदिर में कुंड में नहाते हैं फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का गर्म पानी एक गर्म कुंड है और एक ठंडा कुंड है द्रौपदी कुंड और ये है हम यमुनोत्री माता मंदिर देखो खिचड़ी पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हम आए हैं सूर्य कुंड पे और ये सूर्य जी का
से सूर्य कुंड निकल रहा है, खोलता हुआ पानी, यहाँ खोलता हुआ पानी है। आप सबको नज़दीक से दिखाती हूँ, साड़ी है ये, और यहाँ का व्यू देखिए, पहाड़ पकौड़ी यही खा लो, ये आ गया अंदर पूछो मनु क्या कर लो, बैठे कहाँ पे जगह है, ये क्या भैया इसमें क्या भरा हुआ है, मेवा 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 ये खाली है, ये खाली है, बस्ती जाते बस्ती आप एक साइड हो जाओ तो हम लोग एक साइड हो जाएंगे, इधर आ जाओ मम्मी, अरे इधर आ जाओ मम्मी, इधर आधे लोग उधर घुसो, उधर इधर बैठना है, ये भी खाली है यार, तो यहीं तो बैठ रहे हैं, तो निकलने वाले तो निकले वाले तभी घुस पाओगे, क्या हो गया तुम बैठो ना, इधर आ जाओ ना, इधर बैठ जाओ क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा हैं, छह नौ ही लोग तो हैं, छह यहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, टेबल आगे कर लेना, मिला लो टेबल, इधर करना खींच लो, टेबल इधर खींच लो, अब हम पैदल ट्रेकिंग कर रहे हैं, नीचे पैदल कर रहे हैं यमुनोत्री से, तो अगर आप पैदल ट्रेकिंग कर रहे हैं तो बुढ़ापे की लाठी जरूर ले लें, क्योंकि लाठी होती है तो उतना आसान होता है और चढ़ाई भी आसान होती है, इसलिए लाठी जरूर ले लें, और भाई खतरनाक रास्ते तो बहुत है, आपको दिखाती हूँ, अभी तो फिसल रही हूँ, एक किलोमीटर है भैरव बाबा मंदिर, ये देखो ये भैरव बाबा मंदिर, यहाँ देखिए कितने भीड़ है और कितने घोड़े पालकी, इसलिए रास्ता जाम हो रखा है, तो हम थोड़ी देर बैठ गए, यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम कर रहे हैं, और हमारे साथ वाले पीछे रह गए हैं, तो फिर हम चलते हैं पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, थकान भी नहीं पता चल रही है, इस टाइम बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, तो सांस की प्रॉब्लम हो तो यहाँ सिलेंडर मिल जाता है, सांस का सिलेंडर मिल जाता है ऑक्सीजन के लिए, और किसी के चोट है बुखार है दवाई यहाँ मिल जाती है, किसी को दिक्कत हो तो, भीड़ इतनी सारी है।